इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने वाला प्रस्ताव आ गया है। और आप जानते हैं, जब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव आता है तो जाहिर सी बात है वो चेयर पर नहीं बैठते हैं, और ऐसे में अब चेयर पर बैठ गए हैं सदन के डेप्यूटी स्पीकर महेश्वर हजारी। और अब आगे की कार्रवाई जो है वो महेश्वर हजारी की अध्यक्षता में सदन में होगी। अविश्वास प्रस्ताव है अध्यक्ष जी पर, इसलिए मैं पक्ष विपक्ष दोनों माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि बिहार का जो गरिमा है, बिहार ने जो अपनी राजनीति में मान सम्मान प्रतिष्ठा है, मैं दोनों पक्ष विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी संवैधानिक नियम है उसी के तहत यहाँ कार्रवाई होगी। सब कोई शांति ढंग से यदि यह मतदान करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा मैसेज बिहार के लिए जाएगा। इसलिए सबसे मेरा आग्रह होगा कि सब कोई संवैधानिक नियमों का पक्ष विपक्ष पालन करने का काम करेंगे। माननीय सदस्यगण, इस प्रस्तावित संकल्प के संबंध यदि कोई माननीय सदस्य अपना विचार प्रकट करना चाहे तो रख सकते हैं, अन्यथा मैं इसे सीधे सदन के समक्ष रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजद की ओर से प्रोफेसर राम मनोज यादव जी के अविश्वास पर राम मनोज जी, माननीय सदस्य राम मनोज जी, अच्छा माननीय सदस्य भूदेव जी, सम्मानित उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहले एक मिनट भूदेव जी, माननीय सदस्यगण, आज इस बिजनेस के बाद विश्वास प्रस्ताव पर भी विचार होना है तथा अन्य औपचारिक कार्य भी होने हैं, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने दल के प्रबुद्ध नेता, युवाओं के नेता, युवाओं का भविष्य, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य सभी वरिष्ठ दल के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में मुझको इस विधानसभा में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मुझे ताज्जुब हो रहा है और कोई जवाब नहीं सोचता है। 17 महीने हुए हैं और 17 महीने में जो परिवर्तन देखने को मिला है और बिहार और देश के लिए बहुत ही उपहास और मजाक का यह समय। उपाध्यक्ष महोदय, मुझको स्मरण है मैं 2000 में ही यहां का विधायक बना था, बीच में मैं एमपी बन गया और फिर विधानसभा का सदस्य बन के इस सदन में आया हूं। लेकिन जिस तरह के माहौल और जिस तरह का परिवर्तन मुझे इस वर्ष देखने को मिला, या मुझको लगता है कि सदन में बैठे हुए जो महानायक होंगे, चाहे हो चन्नायकर पुरी ठाकुर हो, चाहे और कोई अन्य वरिष्ठ। तो फिलहाल बिहार विधानसभा में कार्रवाई चल रही है, जो स्पीकर थे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, उसी पर इस समय आरजेडी की तरफ से विधायक भूदेव अपनी बात रख रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।